पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊजु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया है। ये सूरह मारिज आयत नंबर 19 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इंसान बहुत जल्दबाज है और सख्त हरीस है, बहुत ज़्यादा जजा व फजा करने वाला है। इसको हलुआ कहा जाता है, यानी इंसान जो है बहुत ज़्यादा हरीस है, बहुत सख्त हरीस है किसी भी चीज़ को हासिल करने में, किसी भी चीज़ को लेने में बहुत जल्दबाज है। चाहता ये है ना कि बहुत जल्द मेरा काम हो जाए, बहुत जल्द मैं मालदार। इसीलिए आप देखें हमारे यहाँ मामला क्या होता है कि जहाँ कहीं इंसान पैसा लगाता है, कोशिश ये करता है कि बहुत जल्द मेरे पास पैसा आ जाए, बहुत जल्द मैं मालदार बन जाऊँ, जिसकी वजह से वो गलत रास्तों पर चला जाता है, गलत काम करने लग जाता है, गलत चीज़ों में मुलविस हो जाता है। लिहाजा इंसान सख्त हरीस है, उसे जो है जल्दबाजी से बचना है। लिहाजा इंसान की ये एक सिफत है, एक कमज़ोरी है कि वो बड़ा जो है सख्त हरीस है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसी को जो है हलवा से ताबीर किया है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आइए एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निसफ शाबान हो जाए तो रोज़ा न रखो। अब आप कहेंगे कि पिछले तीन चार दर्स से हम लोग कंटिन्यू शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख रहे थे कि आप कसरत से रोज़े रखते हैं, और फिर इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जब आधा शाबान गुजर जाए तो रोज़ा ना रखो। अब लोग कहेंगे भाई इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है, हदीस हदीस के ख़िलाफ़ है। याद रखिए ऐसा नहीं होता है। जो भी हदीस सही होना, उन सही अहादीस में कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। कॉन्ट्रडिक्शन किधर होता है? इंसानी दिमाग में, मेरे और आपके दिमाग में होता है, हदीस में नहीं होता है। उसका समझने बैठे तो बिल्कुल आसानी से इंसान उसको समझ सकता है और उस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर कर सकता है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाई कही ना, इदन तसफ शाबान फला तसूमू, कि जब आधा शाबान गुजर जाए, निस शाबान गुजर जाए तो रोज़ा ना रखो। तो इस हदीस की शरह करते हुए अहले इल्म कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिनको रोज़ा रखने की आदत नहीं है। ऐसे लोग जो नफिल रोज़े के आदि नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो आधा शाबान गुजरने के बाद रोज़ा ना रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वो शाबान के रोज़े रखने लग जाए, आधा शाबान गुजरने के बाद भी वो रोज़ा रखे और फिर रमज़ान आने से पहले वो बीमार हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उन लोगों को आधा शाबान के बाद रोज़ा रखने से जिनको नफिल रोज़ा रखने की आदतें नहीं है। जिन लोगों को नफिल रोज़ा रखने की आदत है, वो शाबान में रोज़ा रख सकते हैं, वो आधे शाबान के बाद भी रोज़ा रख सकते हैं। लिहाजा याद रखिए यह हदीस उन लोगों के लिए है जिनको नफली रोज़ों की आदत नहीं है, और मुमकिन है कि वो नफली रोज़ा रखने जाएंगे आधे शाबान के बाद तो रमज़ान के लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे। लिहाजा ऐसे लोगों को चाहिए कि वह आधे शाबान के बाद रोज़ा न रखे। वरना जिन लोगों को नफली रोज़ों की आदत है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो वो फिर पूरा आधे शाबान के बाद भी वो रोज़ों को रख सकते हैं। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है कीमती वजीफ़ा। कीमती वजीफ़े में मैं एक ऐसा वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजलुल कलाम कहा है। यानी चार कलीमे ऐसे हैं जो बहुत अफजल है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन्न बदअत, और इन कलिमात को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो कौन से कलिमात हैं? सुबहानअल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। ये चार कलिमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे हैं अरबाउन अफजलुल कलाम, यानी चार कलिमात ऐसे हैं जो अफजल कलीमे हैं, और जिसको कहीं से भी आप शुरू कर दो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप चाहे तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें, आप चाहे अल्हम्दुलिल्लाह व सुबहान अल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें, आप जैसे चाहें इन कलिमात को पढ़ सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप इन कलिमात को अदा कर सकते हैं। लिहाजा ये बहुत ही प्यारा जिक्र है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा जिक्र है। हमें चाहिए कि हम इसको कसरत से पढ़ने की आदत डालें। बहुत सारे भाई बहन हमारे पूछते हैं ना भाई कोई जिक्र बता दीजिए, कोई अच्छा सा वजीफा बता दीजिए, तो ये बड़ा प्यारा वजीफा है, आप इसको याद कर लीजिए। सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये बहुत अफसल और बहुत अच्छे कलिमात है। मुझे और आपको इसको याद करके इसको कसरत से दिनों रात मुझे और आपको पढ़ना चाहिए। भाई और बहनों, आज के लिए बस इतना ही।
مجھے دیجیے اجازت، آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی 5 منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔